नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे जन्माष्टमी व्रत की कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई जाती है। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है, साथ ही जातक पर कन्हैया की कृपा बरसती है। जन्माष्टमी व्रत की कथा। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम का राजा राज्य किया करता था। स्वभाव से बड़ा ही सीधा साधा था। यही वजह थी कि उसके पुत्र कंस ने उसका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बना। कंस की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवकी। कंस अपनी बहन से बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह कंस ने वासुदेव से करवाया। विवाह संपन्न होने के बाद स्वयं कंस रथ पर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने गया। जब अपनी बहन को छोड़ने के लिए कंस जा रहा था तो एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है उसी बहन का आठवां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तब वासुदेव ने कहा कि वो देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, वे स्वयं ही देवकी की आठवीं संतान आपको सौंप देंगे। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने की बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी गर्भवती हुई तो कंस ने कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। श्री विष्णु जी ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वो स्वयं ही उसके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी हुई कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी बल्कि स्वयं माया थी। ये सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव ने वैसा ही किया। वासुदेव ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही गहरी नींद में सो गए। फिर वासुदेव ने कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन चले गए। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। वासुदेव जी अपने सिर पर टोकरी को रखकर यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे। कन्हैया को यशोदा जी के पास सुलाकर और उस कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की आठवीं संतान के बारे में पता चला तो वो कारागार पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आठवीं संतान तो कन्या है फिर भी उसे जमीन पर पटकते हुए मारने लगा। माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और जल्द ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों का पता लगाया। जब यशोदा मैया के लल्ला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भेजा, लेकिन उस बालक का कोई बाल भी बांका न कर पाया। तो कंस को ये एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की आठवीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इसी तरह से जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता किया करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगी। वो न ही गरीबों को दान देती और न ही पूजा पाठ किया करती। राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे, तब रानी महल में अकेली थी।
उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में आए और भिक्षा के लिए उनके द्वार पर खड़े हो गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से पहले ही तंग आई हुई हूँ। मेरे पति सारा दिन धन लुटाने में तुले रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं किसी को दान न दूँ, हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन हैं उनको धन दो, कुंवारी कन्याएं हैं उनका विवाह करवाओ। तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटना पड़े। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार को पीली मिट्टी से घर लीपकर, अपना सिर धोकर, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, ऐसा करते ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु महाराज वहाँ से चला गया। साधु के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर जाकर बेच कर आया करता। इसी तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बबार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ धन लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के घर गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर न मिला तो वो बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापिस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी भी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी की बड़ी बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी मेरे यहाँ आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसलिए वो कथा पूरी करके, पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो मैं उठती हूँ और न ही किसी से बोलती हूँ, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, आपकी दासी मेरे घर क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, तुमसे अब मैं क्या छिपाऊँ, हमारे घर में खाने को अन्न तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को सुनाई। रानी की बहन बोली, बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर अपनी बहन के आग्रह करने पर अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज का भरा हुआ घड़ा मिला। ये देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी माँ, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि ही पूछ लीजिए, ताकि आज हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की सारी विधि पूछी। बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें,
इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। सारी पूजन और विधि बताई, फिर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने भी व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उसका केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसलिए साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लाकर बृहस्पति देव ने दासी को दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी माँ के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे गुरुवार का व्रत करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी माँ, तुम पहले भी इस प्रकार से आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब जब बृहस्पति देव भगवान की कृपा से तुम्हें पुनः धन मिला है तो तुम फिर से आलस कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और शुभ कार्यों में धन को खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल और यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की ये बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती भी की जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। रानी और दासी हर बृहस्पतिवार को वैसा ही करने लगी। उधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। वहां अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था, एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वो साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन होकर क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपको क्या कहूँ? ये कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिस कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी थी। अब तुम चिंता न करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे आपको। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर प्रसाद बनाकर लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करके कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को प्रसाद के रूप में खिलाओ। ऐसा करने से भगवान आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी मांग सकूं। साधु ने कहा, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता न करो, बृहस्पतिवार के तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर वो साधु अंतर्ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन सबसे ज्यादा पैसे मिले। राजा ने चना और गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन सभी कलेश दूर हो गए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो व्रत करना भूल गया। इसके कारण फिर से बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी भूखा न रहे और किसी के घर में भी चूल्हा न जले। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए, इस आज्ञा को अगर कोई नहीं मानेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस कारण इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई।
राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और घर ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी ने चुराया है। फिर सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्म मुझे भोगने पड़ रहे हैं, और उसी साधु को फिर से याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव भगवान साधु रूप में फिर से प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे तुझे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। फिर लकड़हारे ने वैसा ही किया। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वो निर्दोष है, वो राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उस कुंटी पर लटका हुआ आपको वैसा ही मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इसी तरह का रात्रि का स्वप्न याद करके राजा प्रातःकाल उठा और कुंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग्य और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर को लौटा तो आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बने हुए हैं। नगर के सब लोग कहने लगे, हे राजा जी, ये आपकी रानी ने बनवाए हैं। उधर रानी को जब राजा के नगर में आने की खबर मिली तो रानी बहुत खुश हुई। उन्होंने दासियों से कहा, देखो राजा जी हमको कितनी बुरी हालात में छोड़कर गए थे, इसलिए सारी दरवाजे पर जा खड़ी हुई। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो रानी ने और दासियों ने राजा का स्वागत सत्कार किया और बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से उनके घर में पहले जैसा धन धान्य हो गया। फिर रानी और राजा ने निश्चय किया कि अब वो हर बृहस्पतिवार व्रत किया करेंगे और हर बृहस्पतिवार व्रत करने लगे और कथा सुनने लगे। फिर एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चल आते हैं। इस तरह से निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। राजा ने रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है, कोई कथा सुन लो। वो बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी हम सुन लेते हैं। राजा ने दाल निकाली और जब आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो आदमी खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने एक किसान को खेत में हल चलाता हुआ देखा तो राजा ने उसे देखकर कहा, अरे भाई, मेरा बृहस्पतिवार का व्रत है, कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं कथा सुनूंगा तब तक तो मैं सारा खेत जोत डालूंगा, आपकी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह से राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा। किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर उसके पास आई, देखा तो अपने पुत्र का ये हाल देखकर उसे रहा न गया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास आई और बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, कथा मेरे खेत में चलकर ही कहिए। राजा ने बुढ़िया को खेत में जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। इसी तरह से बैल और किसान दोनों ठीक हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानबाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो? बहन बोली, है भैया, ये देश ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन ही करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आती हूँ। वो ऐसा कहकर देखने चली गई।
उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। एक कुम्हार के घर गई, उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी अपने भाई के पास आई और कथा सुनने के लिए उस लड़के को तैयार किया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा उस बीमार लड़के को कही तो वो लड़का ठीक हो गया। एक रोज राजा अपनी बहन से फिर कहने लगा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से पूछकर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई तो सास बोली, अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर मेरे साथ बच्चे नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम वहां जाकर करोगी क्या। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर वापस लौट आया। राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दें, आपको भी रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई थी, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ही ऐसे हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं वो समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं, और जो व्यक्ति सद्भावनापूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है या कथा सुनता है तो उसके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बुढ़िया का गणेश जी रोज का मिट्टी में विलीन हो जाता। उसके घर के सामने सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के घर जाकर कारीगर से बोली कि भाई, मेरे मिट्टी का गणेश जी रोज का मिट्टी में विलीन हो जाता है, आप ऐसा करिए कि मुझे पत्थर का गणेश जी बनाकर दे दीजिए। कारीगर बोले, हे बुढ़ी अम्मा, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की पूरी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया यह सुनकर बहुत दुखी हुई और अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई। दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी घर आए तो पूछा कि आज कुछ काम क्यों नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर बोले कि सामने वाली बुढ़िया आई थी और हमें पत्थर का गणेश जी बनाने को कहा, लेकिन हमने नहीं बनाया, तब से ये दीवार पूरी हो ही नहीं रही है। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर जाकर कहा, हे बुढ़ी अम्मा, हमारी दीवार सीधी करवा दो, हम तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुना तो सेठ जी के घर की दीवार एकदम सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़िया माई को पूजा के लिए सोने का गणेश जी बनवाकर दान दिया। गणेश जी को पाकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी और बूढ़िया माई पर कृपा की, वैसे आपकी कथा कहते और सुनते सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।